पॉइंट वन इसका हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेवन. ड्रॉ ए राइट ट्रायंगल इन विच द साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूज और ऑफ द लेंथ फोर एंड थ्री. तब आ जाते जो कहता है आपको एक राइट ट्रायंगल बना. राइट ट्रायंगल किसको कहते हैं जिसका एक जाविया 90 होगा, एक एंगल इसका होना चाहिए 90, उसको कहते हैं राइट ट्रायंगल. कहते हैं उसके दो साइड है लेकिन अदर देन हाइपोटेन्यूज, याद भेजो हाइपोटेन्यूज के अलावा दो साइड, एक है फोर एक है थ्री. तब आ जाते जो दो साइड ये बने आप, लेकिन यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे इसको बेस ले लो इसको परपेंडिकुलर या इसको परपेंडिकुलर इसको बेस, क्योंकि वहां पे ये नहीं है गिवन बेस इतना है और परपेंडिकुलर ये है. लेकिन आपको इन दो में साइड में से हाइपोटेन्यूज कोई भी नहीं है, हाइपोटेन्यूज के अलावा कौन कौन साइड बचते हैं फिर, वो बेस एंड परपेंडिकुलर, वो दो है आपको फोर एंड थ्री. सवाल कहता है ये आप ये राइट ट्रायंगल बनाओ, ठीक है हो गया ये. फिर कहता है सवाल अनदर आप ट्रायंगल बनाओ जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसके 5/3 टाइम्स होने चाहिए. सिंपली आपको पता है कैसे करते हैं, भगवान तक क्या शिकार हो, पहले हम ग्राफ बनाएंगे. मान लेते हैं मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल डाला, क्या राइट ट्रायंगल वेरी नाइस. तब जनक यू गो ए, यू हो गया बी और ये हो गया सी. यहां पे मुझे ऐसे 90 बनाना है ना जी. लेकिन 90 डिग्री का वहां पे नहीं लिखा है, वहां पे वर्ड है इट मस्ट बी अ राइट ट्रायंगल, मतलब एक जावे मुझे 90 लाजमी तौर पर होना चाहिए. आप देखो बच्चों कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करना, आसान तरीका है लेकिन 2 मिनट का होता है. अच्छा साइड दो गिवन है, कौन कौन से गिवन है, बेस और परपेंडिकुलर. आपकी मर्जी है, बेस को रखो 3 इसको रखो परपेंडिकुलर को 4 या बेस को 4 परपेंडिकुलर को 3, कोई इशू नहीं है, वहां पे गिवन नहीं है ये चीजें. लेकिन गिवन ये है कि अगर जहां हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इन दोनों में से कोई नहीं है 3 और 4. इसका मतलब चलो इसको लंबा साइड है, इसको मैं 4 सेंटीमीटर रखता हूं, इसको 3 सेंटीमीटर. मोहित जी बनाओ, फिलहाल मैं ये ट्रायंगल बनाऊंगा, उसके बाद दूसरा ट्रायंगल जिसको डालना है. पहले ये मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है. सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, जो इन दो साइड में पहले आप 3 वाला बनाओ या 4 वाला कोई इशू नहीं, लेकिन मैं यहां पे आपको रिकमेंड करूंगा लंबा वाला साइड पहले बनाना चाहिए. तो मैं करूंगा काम, बीसी एक लाइन सीमेंट में लूंगा, कूदा जिम भैया 4 सेंटीमीटर विद हेल्प ऑफ रूलर, यहां तक कोई इशू. तावा जाते जो अब मुझे लेना है यहां से 3, लेकिन 3 बनाने से पहले मुझे यहां पे 90 का भी बनना चाहिए एंगल, एक बस ये तो कैसे 90 मांगू. इसका मतलब है पहले मैं 3 सेंटीमीटर नहीं नापूंगा, उससे पहले मैं एंगल डालूंगा 90 का. तो अशोया पूरी तब अच्छा अच्छा मैं कह रहा हूं यहां पे मुझे 3 सेंटीमीटर भी ये साइड बनना चाहिए, मगर देख इस बार एंगल 90 होते, इसमें था और ख्याल. इसलिए ये 3 सेंटीमीटर लेने से पहले मैं यहां पे पहले बनाऊंगा 90 का. कैसे बनाते, टेक बी एस सेंटर विद एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क. मैंने कल भी बोला, कल मैंने हमने बनाया भी, इसने इस अपने ही साइड को एक जगह काटा, अब वहां पे उठाओ रेडियस को चेंज मत करो, ड्रॉ आर्क अपने ही आर्क को एक जगह काटो जहां पे इस आर्क को इसने काटा, ये 60 का होता है. अब यहां से उठाओ, रेडियस को चेंज नहीं करना है, डू नॉट चेंज द रेडियस ऑफ द कंपास. अब एक और आर्क डालो, ये 120 हो, दूसरी आर्क क्या होती है 120. अब फिर से उठाओ यहां पे एक और आर्क बीच में दे दो, रेडियस को फिर भी चेंज नहीं करना है, थ्रू आउट वही रेडियस. यहां पे उठाओ एक और आर्क, बस 90 का हो गया, ये हो गया आपका 90. आप बोलोगे सर कितना डालना है, फिलहाल लंबा ले जाओ, कोई इशू नहीं है, लेकिन अब मुझे इसमें से 3 चाहिए बस. ये बोली एंगल तो मुझे यहां पे 90 का आ गया, अब कोई इशू नहीं है. अब मुझे आउट ऑफ दिस जो, चलो मैंने ये एक रे डाल दी बी एक्स, इसमें से मुझे अब खोलो आप कंपास को 3 सेंटीमीटर, रूलर पे ऐसे रूलर को रखो, इस पे फिक्स कर दो रेडियस 3 सेंटीमीटर, नाप के बी पे डाल दो और कट करो जहां तक 3 आ रहा है, जहां तक 3 आ रहा है. मान लेते हैं यहां तक आपका 3 आ गया, ये पॉइंट होते ए जॉइन ए सी, बस हो गया आपका ट्रायंगल, दैट्स इट, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. ये 3 सेंटीमीटर भी होगा, ये 4 बन गए और यहां पे 90 बन गए, इसका मतलब राइट ट्रायंगल भी हमारा हो गया. यहां तक कोई इश्यू समझने में. अब सवाल कहता है एक और ट्रायंगल ड्रा करो जिसके साइड इसके 5/3 के बराबर होंगे. यहां से आगे हम कैसे करते हैं, हमने तकरीबन 7 क्वेश्चन इस टाइप के किए हैं, टुडे इज द 7th क्वेश्चन. क्या हम करते हैं, यहां पे एक रे डाल देते हैं बी वाई, ऐसे हम डाल देते हैं कि बी सी वाई एक्यूट एंगल बनना चाहिए. फिर हम देखते हैं किस रेशो में करना है, 5/3 में, इन दो में से हम देखते हैं बड़ा कौन है, 5 इसके 5 से करने इक्वल, देखिए इक्विडिस्टेंट होने चाहिए, 1 2 3 4 5. नाम देते हैं B1 B2 B3 B4 B5. इसके बाद हम क्या करते हैं, ज्वाइन, लेकिन ज्वाइन हम करते हैं डिनोमिनेटर में जो होगा, इधर से याद, ये हर किसी सवाल में सेम है. हम करेंगे काम 3 है तो 3 और C को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन B3 C, एम आई राइट, शाबाश.
वहां पे क्या बचा, जब 3 को ज्वाइन किया 5 बचा। अब 5 के पास मुझे पैरेलल लाइन डालनी है, इसको कैसे डालते मैं बार बार आपको बोलता हूं। आप यहां पे B3 के पास कंपास उठाओ, ड्रा एन आर, वही रेडियस लेके B5 के पास ड्रा वन मोर आर, वहां तक कोई इशू नहीं। अब ये एंगल नाप के ले लो जी, जो ये आर्क है इसकी लंबाई नाप के ले लो एंगल, क्योंकि आपका मकसद है एंगल जो यहां पे है कि सुई एंगल का सेफनेस बारो, जब एंगल सेम हो जाएगा लाइन का स्पान है पैरेलल, तो रफ एग्री वेरी नाइस। अब यहां से जब आपने एंगल नाप के लिया तो इसको इंटरसेक्ट कर दो, मान लेते ये यहां से आगे बढ़ा दो, लेकिन अब मसला होगा कि इसके साथ ये ज्वाइन नहीं होगी, तो इसको यहां से एक्सटेंड कर दो। जब आपने एक्सटेंड कर लिया तो ये समझ लीजिए पॉइंट है, ये हमारा रफ था, इसको आप रफ ही कर देते हैं। अब जब हमने इसको एक्सटेंड कर दिया तो इस पॉइंट का नाम हम देते हैं एबीसी, का नाम देते हैं डी। अब डी से एक और लाइन वो होनी चाहिए इसको पैरेलल, कैसे, फिर से वही सी पे कंपास रख दो, ड्रा एन आर्क, यहां पे भी वही रेडियस लेके ड्रा वन मोर आर्क। अब ये इस एंगल को नाप लो जहां पे आपने आर्क दी, अब यहां पे उठाओ इसको इंटरसेक्ट करो, आपकी दूसरी पैरेलल लाइन रेडी हो गई, कोई इशू, समझ लो ये यहां पे मिलते हैं, इसका नाम है ए बी सी डी, इसका नाम है ई, दियर फोर बी डी ई इज द रूट ऑफ ए ट्रायंगल, कोई इशू नहीं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, आसान क्वेश्चन है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। शाबाश बच्चों, बताओ मुझे क्या हमने किया, हम वही लिखेंगे। स्टेप नंबर वन, वेरी नाइस, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू सेवन नहीं सेवन फोर सेंटीमीटर, फोर सेंटीमीटर, नाइस। उसके बाद दूसरा स्टेप, फिर हमने एंगल बनाया एट बी, ऐसे सीखो ना लिखना, फिर कब सीखोगे, एट एट बी एट बी, नहीं ऐसे नहीं लिखना, कैसे मैंने बना इतना लंबा नहीं लिखना, उनको खुद दिखेगा इसने कंपास से किया, एट बी मे एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ऐसे शॉर्ट 90 डिग्री, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे एट बी मेक एन एंगल, मेक एंगल ऐसे लिखेंगे, उस वक्त बी था, डी तो नहीं था, एंगल सी बी, यहां पे मैंने क्या रखा, एक्स रखा था, चलिए ये थोड़ा लंबा है यहां, ये एक्स थोड़ा ऊपर हमने कहीं पे रखा, ऐसे लिखो फिर सी बी एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे बस सिंपल इतना ही लिखा है, एट बी मेक एन एंगल सी बी एक्स इक्वल 90, सिंपल। सी बी एक्स का मतलब है सी बी और यहां कहीं पे एक्स है, लंबा डाल दो ये। अब तीसरा पॉइंट हमने क्या किया, हमने बी एक्स पे कहीं पे ऐसा पॉइंट ए मार्क कर दिया ताकि सच दैट बी ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ताकि भाई लिखो सहल लिखो। फिर मैंने क्या काम किया, ए बी एक्स एट द रे लिखेंगे, एट द रे बी एक्स मार्क, मार्क ए पॉइंट ए, इसको ऐसे रखो सच दैट, मगर ऐसे इसको मार्क करो सच दैट बी ए तक आना चाहिए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, प्लस एक पर क्या पॉइंट, फोर सॉल्व पॉइंट, फोर्थ, वेरी नाइस, बस ज्वाइन ए और सी, बस यही किया था ना। अगर आपको बच्चों में दूसरा यहां पे सलाह आपको दूंगा, एक ट्रायंगल बनाओ फिर इतने स्टेप्स लिखो, पांच बनो दो ताकि आपको भूल ना जाए मैंने क्या किया, बाद में क्या किया, स्टेप आपको अदला बदला नहीं लिखना, पहले वो लिखोगे फिर वो, ऐसे आपको ख्याल रखना है। तो फिर लिखो, लिखेंगे हम ज्वाइन ए और सी, देयरफॉर ए बी सी इज द गिवन ट्रायंगल, यह भी गिवन ट्रायंगल। अब हम स्टार्ट करेंगे यहां से बनाना कौन सा रुकावट ट्रायंगल, तो पॉइंट नंबर 5, ए बी ड्रॉ ए रे, ड्रॉ ए रे, ये वही हर रोज हम लिखते हैं, ड्रॉ ए रे बी वाई, बी वाई मेकिंग एन एक्यूट एंगल सी बी वाई, सी बी वाई, ऐसे करके आप लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद छठा पॉइंट, आसान, मार्क 5 पॉइंट्स, मार्क सॉरी 5 पॉइंट्स, नाम लिखो इनके, B1 कामा B2 कामा B3 कामा B4 कामा B5 ऑन द रे बी एफ बी वाई, ऑन द रे बी वाई, मगर सच दैट, ये सारे बराबर होने चाहिए, सच दैट, क्या लिखते हैं सच दैट, जरा खुद बताएं, बी बी वन
यहां से खुद देखो बी बी वन इज इक्वल टू बी वन बी टू इज इक्वल टू बी वन बी टू इज इक्वल टू बी टू ऐसे आप ऐसे भी आप याद रखें ये वाला रिपीट करना ये लास्ट वाला बी टू बी थ्री बी थ्री बी फोर ना सर बी फोर को फिर से लाओ बी फोर बी थ्री बस ये आसान है आप सेवन ज्वाइन बी थ्री टू सी जो इन दो में से न्यूमरेटर होता है वहां सॉरी डिनोमिनेटर ज्वाइन बी थ्री सी ज्वाइन बी थ्री सी शाबाश आठवा पॉइंट एट बी फाइव यही हम लिखते हैं बार बार एट बी फाइव ड्रा एलाइन पैरेलल टू वो पैरेलल होनी चाहिए बी थ्री सी को बी थ्री सी इंटरसेक्टिंग वहीं पे लिखो इंटरसेक्टिंग बी सी एक्सटेंडेड बी सी एक्सटेंडेड जब हम एक्सटेंडेड इसको करेंगे एक्सटेंडेड बी सी एट डी बस डी से एक और लाइन डालो यही लिखते हैं हमारे रूल एट डी नाइन्थ पॉइंट एट डी ड्रॉ अनदर लाइन पैरेलल टू सगा सबसे में पैरेलल यस साइड सी ए पैरेलल टू सी ए इंटरसेक्टिंग वो भी जब मिलेगी जब हम ए बी को एक्सटेंड करेंगे तो जो एड्रेस समझ लो अभी ए बी यहीं तक है इंटरसेक्टिंग एक्सटेंडेड बी ए ए ई बस हो गया हमारा ट्रायंगल डीआर फोर ये वाला ट्रायंगल बी डी ई डीआर फोर ट्रायंगल बी डी ई इज द रुकायुर ट्रायंगल दैट इज इट इसमें कोई कंफ्यूजन इसमें कोई कंफ्यूजन